नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में मझौली शंकरपुर ग्राम सभा के सचिव अरविंद राम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हरिजन एक्ट की धमकी देता है और लोगों से रिश्वत भी लेते हैं। उनका धमकी भरा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। जानना चाहता हूं कि मैं रमेश कुमार शर्मा ग्राम सभा टगरौली के मूल निवासी हैं और एक क्या मामला है। मामला यहाँ ये है, हमारे यहाँ जो सचिव है जिसे सेक्रेटरी बोलते हैं ग्राम सभा का, वो संयोग से SC ST से आता है और किसी भी कार्य के लिए कोई व्यक्ति जाता है तो उससे बदतमीजी करता है और SC ST लगाने का धमकी देता है और कोई कार्य करता नहीं। जैसे मृत प्रमाण पत्र उसके अंडर में आता है, शौचालय के सब काम चल रहा है उसमें आता है, हर व्यक्ति से बदतमीजी ही वो करता है। क्या करता है? अब जैसे एक हम लोग वीडियो बनाए हैं इसका, एक वीडियो वायरल हुई हमने देखा, इसमें वीडियो बना है, उसमें एक मैटर था आज से करीब 2-2.5 महीना पहले के स्टूडेंट हुआ था आमघट ग्राम सभा में। वो शंकरपुर का रहने वाला था, मृतक शंकरपुर का रहने वाला था, तो उसका मृत प्रमाण पत्र तो पोस्टमार्टम के माध्यम से बना था, लेकिन ये जो कृषि किसान दुर्घटना बीमा का जो पैसा मिलता है उसके लिए शायद जहाँ मृत होते हैं वहाँ का भी सेक्रेटरी का रिपोर्ट लगता है। वो व्यक्ति कई दिन से उसके यहाँ आता था कि सेक्रेटरी साहब हमारा रिपोर्ट लगा दीजिए, तो वो उसे कहता था कि हमको क्या पता एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, पूरे कागजात गई थी। फिर वो व्यक्ति बता रहा था कि हम DM साहब से मिले, DM साहब भी बोले तो ये कह रहा है कि DM कौन होता है और तुम वीडियो से फ़ोन करा रहे हो, नेता से फ़ोन करा रहे हो। मेरा नाम बृजमोहन यादव, मैं ग्राम सभा टगरौली के रहने वाला हूँ जी। क्या मामला यहाँ घटित है? वो तो हमारे सामने की बात है, वो अपने मृतक प्रमाण पत्र के लिए वो कह रहा था, वो इधर खड़े थे पोखरे पे और आए उनके अरे तरे अरे ते चार केकरा केकरा से सिफारिश करावल करावत अरे से तोर काम ना कर, अब जो इस तरह का बोलने लगा। तब हम लोग उस पर बरसने लगे, अरे यार तुम तो सरकारी कर्मचारी हो, जनता के साथ रहना है, इस तरह क्यों बोल रहे हो। उसके बाद हम लोग के ऊपर कहने लगा कि हम मुकदमा करा देंगे तो CST ST लगवा देंगे, कहने लगा वो, थाने पे जाने लगा। तो हमने कहा कि चलिए तब थाने पे आप भी चलिए, यहाँ इतना लोग हैं सुन रहे हैं ना, देख रहे हैं सब लोग, वहाँ गवाही देंगे। तो क्या थाने पर गए हो? नहीं, थाने पर नहीं गया, लेकिन वो धमका रहा था कि लोग हमसे कोई कुछ कोई काम ना कहे। एक और आदमी किसी काम के लिए गया था तो इसी तरह का उसके साथ बर्ताव किया। ये जो भी गांव के लोग जाते हैं कोई काम के लिए उसी तरह का बर्ताव करता है। क्या बता दीजिए? देव बहादुर यादव जी। कहाँ के रहने वाले हैं? शंकरपुर ग्राम शंकरपुर पोस्ट में होली जी। क्या मामला है? मामला है सर, हम 2.5 महीने से दौड़ रहे थे मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। कैसा मृत्यु प्रमाण पत्र? हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है आमघाट गांव में, ट्रक से जगह पर मृत्यु हो गई है, उसी का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दौड़ रहे थे सर। तो क्या हुआ बना? हर जगह जाते थे तो हमारा काम हो जाता था सर, यहाँ जो है सेक्रेटरी साहब हमको दौड़ा रहे थे। कितने दिन से दौड़ा रहे हैं आपको? 2 महीने से। वो तो करें 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने, 3 दिन में हम कर देते हैं। तो कहन गए सर, वो तो कहन गए कि हम ये करते हैं, उतर गए हैं। इसके पहले भी उनके पास जो एक आख्या देने के लिए दिया गया था उसमें भी 4-5 दिन समय लगा दिए थे, समय खुद खींच रहे थे और हमको गुमराह कर रहे थे जी। हम बीच में कुछ वीडियो वायरल भी हुई है, जो विवाद हुआ है, क्या मामला था? मामला था सर, वो हमसे 20,000 रुपये का डिमांड कर रहे थे। कौन? सेक्रेटरी साहब। क्या नाम पड़ेगा उनका? अरविंद राम। आपने दिया 20,000? नहीं दिया सर, हमने जा करके JM साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया है सर लास्ट में, जबकि हमारा समय ख़त्म होने वाला था। हाँ, सूचना दिया कि भाई हमारे यहाँ ऐसे ऐसे काम हो रहा है। हाँ, तो DM साहब ने क्या बोला? DM साहब से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी सर, वहाँ पर
कर्मचारी बैठे हुए थे उन्हीं लोगों को दिया गया जी। तो कुछ कार्रवाई हुई?